लास्ट में पहली वीडियो में हमने सेलिएंट की ग्रहण तीन से पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जीन जमा छोटी है जमा ते जी, जीन को छोटी के साथ मिलाया तो जीन ये जी बना, ते लगाएंगे जीन ये जी ते जी, आइन को छोटी के साथ मिलाएंगे एन ये की बनेगा, उसके साथ हम दाल लगा लेंगे तो ये ईद बन जाएगा, आइन की छोटी शक्ल ये की छोटी शक्ल साथ दाल आइन ये ई दाल की। अब आ जाए सफा नंबर 46 पर, आप देखिए सफा नंबर 44 पर हमने ये की आखिर वाली बात भी पढ़ी, सफा नंबर 45 पर हमने ये की दरमियान वाली आवाज पढ़ी, अब सफा नंबर 46 जो है हमारा पेज नंबर 46 वहाँ पर भी हमारी ये की आखिर वाली आवाज है, लेकिन ये चार हरफी अर्थ हो चुके हैं, पहले हमने दो हरफी अल्फाज पढ़े फिर हमने तीन हरफी अल्फाज पढ़े, अब हम चार हरफी अल्फाज पढ़ेंगे, नीम को अल के साथ मिलाएंगे नीम की माँ, लाम को छुट्टी के साथ मिलाया लाम छुट्टी दी मानी, ते को वाव के साथ मिलाया तेवर तो, लाम को छुट्टी के साथ मिलाया लाम छुट्टी दी इलव हमारा बन गया तो ही, चे को अल के साथ मिलाया चे अली चा, बे को छुट्टी के साथ मिलाया बे छुट्टी दी इलव हमारा बन गया चा भी, ते को हमने वाव के साथ मिलाया हमारा लफ बना तेवर तो, पे को छुट्टी के साथ मिलाया लफ बना पे छुट्टी दी, ये पूरा लफ हमारा बन गया टोपी। आपने तीनों पेजेस तीन नहीं बल्कि चार पेजेस 43 जिसके ऊपर आपकी तस्वीरें बनी हुई हैं, 44 दो हरफी अल्फाज, 45 तीन हरफी अल्फाज, 46 चार हरफी अल्फाज, इन चारों पेजेस की आपने रीडिंग अच्छे से करनी है, आपको पढ़ने आने चाहिए, ऐसे ही जिसका मैंने आपको बोर्ड पर लिखना बताया, आपने अपनी बुक के ऊपर ये पेजेस लिखने हैं और इन्हें आपने अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट कर लेना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।